हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैरेबियन प्रीमियर लीग का 20वां मैच, जिसमें एंटीगुआ फाल्कन्स का मुकाबला त्रिबांगो नाइट राइडर्स से होगा। दोनों ही टीम इस वक्त पॉइंट टेबल नंबर 2 और 5 पे स्टेबल है। यह मैच 20 सितंबर को पोर्ट स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच मॉर्निंग के 4:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 71% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे क्वींस पार्क की पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, पिच थोड़ी सी ड्राई है जिसके चलते आउटफील्ड भी तेज हो गई है। फास्ट बॉलर ने इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, पिच से रिवर्स स्विंग भी काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना मुश्किल होगा। अब अगर बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 47% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं कि अब स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इन का स्कोर 154 है, तो वहीं पर सेकेंड इन का स्कोर 140 है। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं दो टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जहाँ पर त्रिबांगो 0 मैच जीत के आए, तो वहाँ पर एंटीगुआ 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एंटीगुआ फाल्कन्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टूर्नामेंट में लगातार 4 हार के साथ टीम ने स्टार्ट किया था, लेकिन टोटल 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 हार और 2 जीत के साथ अब टीम टेबल नंबर 5 पे आ गई है। क्रिस ग्रीन जो कि टीम के कप्तान है, ओपनिंग में बात करें जो कि ब्रैंडन किंग और जस्टिन गिब्स गुड स्टार्ट पे, जस्टिन ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 174 रन बनाए। वहीं नंबर 3 पे जो कि सैम बिलिंग्स है, मार्क वसीम ने 134 रन, जोएल एंड्रयू ने 128 रन बनाए, टीम के मिडिल ऑर्डर को स्टेबल रखे हैं। वहीं लो ऑर्डर में आपको फाइव एलन और किस ग्रीन फ्लॉप दिख रहे हैं। बॉलिंग में टीम की असली वीकनेस है, जहाँ पे बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। स्पेल के शुरुआत आपको मोहम्मद आमिर और समर स्प्रिंगर करेंगे, आमिर जो कि आउट ऑफ फॉर्म में देख रहे हैं। क्रिस ग्रीन ने लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे, जहाँ पे स्प्रिंगर ने सबसे ज़्यादा 10 विकेट लिए। कप्तान क्रिस ग्रीन जो कि फ्लॉप दिख रहे हैं। मार्क वसीम और फैबियन एलन जो कि 7-8 विकेट लिए हैं। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं एंटीगुआ फाल्कन्स का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग्स है, जस्टिन ग्रिप्स है, कॉफी जेम्स है, सैम बिलिंग है, जोएल एंड्रयू, क्रिस ग्रीन है, इमाद वसीम है, फैबियन एलन है, रोशन प्रीमस है, समर स्प्रिंगर है, मोहम्मद आमिर। वहीं अगर कुछ कीपर की बात किया जाए, जो कि ब्रैंडन किंग है, फैब एलन है और सैम बिलिंग्स है। अब बात कर दो दूसरी टीम, यानी त्रिबांगो नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीता और 1 हार का, टीम टेबल नंबर 2 पे आ गए। केएन पुलर जो टीम के कप्तानी कर रहे हैं, ओपनिंग में बात करेंगे जो कि सुनील रायन, जेसन रॉय नाइन अब तक फ्लॉप दिख रहे हैं। नंबर 3 पर जो कि सैक्री पैरिस खेल रहा है। मिड पर अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें, जो कि निकोलस फुरान है, कैसी कार्टी खेल रहे हैं, कैसी कार्टी ने सबसे ज़्यादा 154 रन बनाए। लो ऑर्डर में आपको केएन पुलर, टीम डेविड खेल रहे हैं, एंड्रिया रसल जो कि लास्ट गेम को फिनिश किया था। बॉलिंग में आपको बात करेंगे जो कि जैदन सेल्स एंड टेरेंस इन स्पेलर्स की स्टार्ट करेंगे। स्पिन बॉलिंग में आपको सुनील रायन हो गया और 8 विकेट लिए थे। वहीं पर वकर सलामेल जो कि वो भी 9 विकेट लिए थे। अकील हसन ने लास्ट गेम में 1 विकेट लिया था। अब बात करते हैं त्रिबांगो का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि सुनील रायन है, सैक्री पैरिस है, निकोलस पुरन है, कैसे काटी है, किरण पुलाड है, एंड्रे रसल है, टीम डेविड है, ड्वाइन ब्रेव है, अकील हसन है, वकर सलाम खेल है, टैन सिंह है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि सुनील नारायण है, किरण पुलाड है, निकोलस पुरन। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। त्रिबांगो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जबकि एंटीगुआ लगातार 2 मैच हार चुकी है। मुकाबला भी काफ़ी टक्कर का होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैच में तो त्रिबांगो नाइट राइडर्स मैच विनर होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पर हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।